22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में अब एक बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है और इससे पहले 30 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा है और जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ा फैसला लेते हुए पंचकोसी परिक्रमा और इसके साथ ही 84 कोसी परिक्रमा को देखते हुए एक बड़ा फैसला लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है कि अब अयोध्या में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। जी हां, शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब व मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। 84 परिक्रमा क्षेत्र से शराब व मांस की दुकानें हटाई जाएंगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश दिया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखें तो अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं और राम मंदिर उद्घाटन समारोह की भव्य तैयारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि 8000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है जो वीवीआईपी हैं और इसके साथ ही लाखों लोगों के आने की उम्मीदें हैं। अयोध्या में राम मंदिर को भी सजाया जा रहा है और राम मंदिर का प्रथम तल का कार्य समाप्त होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कोठारी बंधु 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली मार करके की थी और अयोध्या में लाखों ऐसे राम भक्त शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल रही होगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, वे दिव्य आत्माएं जहां भी होंगी, जहां से भी देख रहे होंगे, उनको जरूर तसल्ली होती होगी कि देखिए हम जिस संकल्प के लिए बलिदान हुए थे वह संकल्प अंततः पूरा हुआ। भगवान राम ने उस संकल्प को पूरा किया है। एक और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए। हम इन सभी जितने भी लोग अयोध्या में शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, उन सब का एक भव्य स्मारक भी बनाएंगे जिसमें उनका नाम हम वहां पे अंकित करवाने का कार्य भी करेंगे।